हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 18। कर्मणि अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे? जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। तो हमने आपको पिछले श्लोक में बताया कर्म विकर्म अकर्म। कर्म मतलब आप जो कर्म करेंगे निर्धारित हमारे लिए जो कर्म है शास्त्रों में, लेकिन भौतिक इच्छा से वो प्रेरित है तो उसका फल हम भोगना चाहते हैं, ये कर्म हो गया। विकर्म मतलब शास्त्रों के विपरीत करना, पाप करना, अपराध करना, ये शास्त्रों के विपरीत है। और अकर्म मतलब भक्ति का कार्य करना जिसमें कोई फल नहीं बनेगा। तो अब कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म कैसे करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो संसार छोड़ के हिमालय की घाटियों में जाके बैठते हैं, वाराणसी मथुरा कुछ नहीं करते, बस साधु का वेश धारण कर ले बैठते हैं। वे कहते हैं कि संसार का कर्म करेंगे तो बंधन में फंसेंगे, इसलिए कर्म ही नहीं करेंगे तो कोई बंधन नहीं। जब कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं बनेगा, जब फल नहीं बनेगा तो बंधन कैसा होगा? तो हम कर्म छोड़ के जा रहे हैं, अर्जुन भी ये बोल रहा था। तो भगवान ने तो अर्जुन को जाने नहीं दिया, तो फिर ये सब जो कर्म छोड़ के जा रहे हैं ये भगवान स्वीकृत नहीं करते, मतलब ये गलत है। भगवान ने तो तीसरे अध्याय में कहा कि यज्ञ अर्थात कर्मणो लोकोयम कर्म बंधन हो। अगर आप यज्ञ के लिए मतलब भगवान कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो तो बंधन नहीं है। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसको समझते हैं। अब ये लोग जो हैं छोड़ छाड़ के सब अपने कर्म को अपनी जिम्मेदारी को चले जाते हैं। अब ये सोचते हैं कि ये कर्म नहीं है, ये अकर्म है, बल्कि गलत है। ये कर्म ही है और इसका फल भी मिलेगा और विपरीत मिलेगा। आप सबको छोड़ के चले गए, सांस ले रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, खड़े हो, तपस्या कर रहे हो, तो कर्म है तो है, ये क्या है? अकर्म तब बनेगा जब आप सिर्फ भगवान के लिए करोगे। तो ये जो सोच रहे हैं कर्म अकर्म है, बल्कि ये कर्म है। और जो भगवान के भक्त होते हैं संसार में रह के, युधिष्ठिर महाराज वो तो जंगल में थे, वनवास मिला गया तो उसके बाद भी वो वनवास में रहने को तैयार थे। भगवान बोल रहे नहीं तो आप धर्म कीजिए, प्रजा को संभालिए, राजा बनिए। भगवान उनको उल्टा कर्मों में फंसा रहे हैं, फंसा नहीं रहे, ऐसा लगता है क्यों भगवान उनको कर्मों में डाल रहे हैं। लेकिन वो कर्म करेंगे भगवान के लिए, भगवान के कहने के अनुसार, इसीलिए उसका फल नहीं बनेगा, वो एक्चुअली वही अकर्म होगा। तो अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप अकर्म कर रहे हैं, इसलिए आप उस बंधन में नहीं फंसेंगे। कर्म के फल की कोई इच्छा मत कीजिए और भगवान के लिए करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए। कभी भी कोई भी आपको कर्म बंधन में नहीं फंसा सकता, आप हमेशा ही उससे छुटकारा आपको प्राप्त होगा, आप उससे छूटे रहेंगे और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जीवन में रहते रहते। जीवन मुक्त स उच्चते, इसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो अकर्म ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं, जैसे हमने कहा पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, घर गृहस्थी, जो भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रख रहे हैं, भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। भगवान ने गीता में कहा कर्म बंधन किसके लिए लगता है? जो अपने लिए करता है। तो केंद्र में अपने आप को नहीं, भगवान कृष्ण को रखिए और अपना घर चलाइए, आप इस बंधन से छूट चुके होंगे। ये असली कर्म है, न कि जाके हिमालय में बैठ जाना और तपस्या में लीन हो जाना, वो अकर्म नहीं। अगर वो भगवान से संबंधित नहीं है, जो योगी तपस्या करता है और ये सोचता है कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त होगी फिर मैं उसे भोगूंगा, तो फिर वो भगवान के लिए कहाँ कर रहा है? और अगर मान लो वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं, मैं तपस्या नहीं करूँगा, हरे कृष्ण मंत्र जप करूँगा, वो ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा है जब आप संसार में रह के बाकी लोगों को
भक्त बनाए। इसलिए भगवान अंत में कहेंगे गीता के, सबसे प्रिय मुझे वही है जो दूसरों को भक्त बनाता है। तो संसार में रहते हुए खुद भी भक्त बनिए, अच्छा भक्ति कीजिए, दूसरों को भक्ति कराइए। इससे भगवान आपसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको इस संसार से मोक्ष प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।